तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल मैं ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके पीछे रीज़न ये था कि कल मैं रतलाम तो क्रॉस कर दिया और रतलाम के बाद मंदसौर के यहाँ पे रुक गया मैं थोड़ा सा पहले ही। यहाँ से मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर होगा मंदसौर, और ये होटल में रुका था, होटल ग्रीन प्लाजा, बहुत ही सुंदर होटल है। आप रुक सकते, रूम भी भाई काफ़ी बढ़िया थी, क्लीन थी और बड़ी भी थी काफ़ी, तो रेट भी कुछ अच्छे थे। ये अपनी गाड़ी सुबह सुबह तैयार हो चुकी है, लगभग 7 बज चुके हैं और हम अभी निकलेंगे।
घंटे हो गए हम पर चल के। हम पहुँचे हैं यहाँ से जयपुर, मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर है। हमने कवर किया है अंतर 6-7-10 अभी 11-10 तक है, 340 किलोमीटर। ठीक है, अभी 12 बजे तक किशनगढ़ आ जाए जयपुर के आगे पहुंच जाएंगे। जयपुर भी इधर के हिल है, बहुत ही सुंदर है, जो भी है बहुत सुंदर है ना, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। पता नहीं आपको कैसे दिख रहा है। किशनगढ़ रहा है सिर्फ 10-12 किलोमीटर, 11:30 बज चुके हैं और हमने लगभग सुबह से लेकर अभी तक 370 किलोमीटर, और 5 घंटे नहीं लगभग 5 घंटे में 70 किलोमीटर हमने कवर कर दिया। देखते भाई होटल अच्छा देखते हैं, अभी रुकते हैं क्योंकि भूख भी लगी है और थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, फिर आगे भी चलना है। तो ठीक है, वेलकम। मैंने खाना खा लिया, दाल रोटी और एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक। अभी हम जाएंगे जयपुर से पहले, 92 है हमको जाने की ज़रूरत नहीं, 92 उससे पहले ही एक नारनौल की तरफ जाता है रास्ता, वो पकड़ना है हमको। जयपुर हाईवे में छोड़ना ही चाह रहा, दूसरा भी रास्ता है सीकर से होकर, बट वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये जयपुर हाईवे मुझे पता चला है अभी, तो जयपुर हाईवे अच्छा है, तो दिल्ली जयपुर है एक्चुअली, तो इसी से चलते क्योंकि फिर अरे यार ये ट्रक से ना ऊपर आ रहा है रास्ते से। बरसात नहीं है सदा, बरसात होता ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता बरसात। ठीक है, एंजॉय करो।
ये है जिन तो क्रॉस कर दिया हमने, और अभी आएगा नरवाना। नरवाना है यहाँ से कुछ लगभग 50 किलोमीटर, और नरवाना के बाद संगरूर लुधियाना। ये काफ़ी लंबा है, मैं इतना दूर तो नहीं जाऊँगा। 190 है ना, लुधियाना है, और संगरूर है 100 किलोमीटर। रोड क्या देखोगे यहाँ पे, जो उधर के नज़ारे है। क्या कर दिया भाई तूने, ठीक है भाई, मिलते हैं ट्रक के बाद।